उमरिया पान में हनुमान मंदिर ब्योहार मोहल्ला में पचली साहित्य एवं संस्कृति के संवर्धन हेतु भारतीय साहित्य परिषद की जिला इकाई की बैठक कल पचेल क्षेत्र के केंद्र उमरिया पान में संपन्न हुई, जिसमें पचली भाषा के विकास संवर्धन और संरक्षण हेतु विचार विमर्श किया गया। उक्त अवसर पर राज्य सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन विपिन बिहारी ब्योहार, साहित्य परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री शरद अग्रवाल एवं जबलपुर साहित्य परिषद जिला इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर कौशल द्विवेदी तथा पचेल क्षेत्र के साहित्यकार विजय बगरी एडीवी धर्मेश चतुर्वेदी राजेश ब्योहार एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। संवाददाता राजेंद्र कुमार चौरसिया उमरिया पान कटनी। उन्हें पचेली काम कर पचेली पहचान हो और उसी पचेली शैली को पचेली भाषा को आगे बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वाधान में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम अपनी भाषा पे अपनी शैली पे गौरव करें। हमको महसूस होना चाहिए कि हम जहाँ से कहीं पहुँच रहे हैं हमारे जन्म स्थान है, हमारे पूर्ण स्थान है। इसलिए जिस गांव की भाषा पे गर्व होता है, जिस स्थान के पानी पे गर्व होता है, जिस स्थान की मिट्टी पे गर्व होता है, वहां से आगे बढ़ने में हमको गौरव महसूस होता है। हम आज अपनी पचेली को एक पहचान देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम कहीं भी जाएं, हमारी जो पचेली भूमि है, हमारी जो भूमि है, हमारी जो कमजोरी है, उसकी पहचान हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और दुनिया में पहुंचाएं। उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और दाएं नहीं पर पैर उतारे अपने हाथ से ले को रही और जो हमारे के अगले साल संदर्भ पचीस का आहार और लेके पुत्र और पुतनिया और पूजे देवियां चुनिए चुनिया और गौ महारे ले कड़ारी साथे ढोलवा और पुतनिया और पाला की जो कहे सुना है संदर्भ पचीस का आहार और आदि पंक्तियां बहुत बड़ी कविता है लेकिन थोड़ा सा लिखा है गिरमा झुआ जमरा छन्नी और दूसरी बैठी लय ओहन्नी और बेटी भरी चौंदन से है चले नहीं जब आज अठन्नी और गैया लय दिवारी भाई समझा वो पीछे का वो हमारे साहित्य है कुछ इस तरह लालित से परिपूर्ण है जो हमारे कई मित्र।